हाय फ्रेंड्स, स्वागत है सुमन किचन में आपका। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू के पकोड़े। तो चलिए बताती हूँ कैसे बनाएंगे और क्या क्या चाहिए। और अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो फटाफट चाय के साथ इसे ज़रूर आप बनाइए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने या दो आलू को अच्छे से धो के और इस तरीके के पीसेज में कट कर लिया है। आप देख सकते हैं इस तरीके के पतला पीसेज में हमने कट किया है। इस टाइप से आप इसे और पानी में रख दिया है हमने ताकि काला ना पड़े। तो सबसे पहले एक बॉल लेंगे और उसमें मैं डालूंगी एक कटोरी बेसन, और बेसन के अंदर मैं ऐड करूंगी हल्दी 1/4 टेबल स्पून कलर के लिए, और उसके बाद से रेड चिली पाउडर 1/4 टेबल स्पून, जीरा और काली मिर्च पाउडर 1/4 टेबल स्पून, नमक टेस्ट के हिसाब से, और उसके बाद इसमें लहसुन और अदरक का पाउडर ऐड करूंगी मैं। आप इसका पेस्ट भी ले सकते हैं। उसके बाद से थोड़ा सा धनिया, कटा हुआ हरा धनिया डाल दूंगी। मिक्स कर देंगे इसे। फ्रेंड्स, मिक्स करने के बाद इसे थोड़ा सा और बेसन चाहिए, थोड़ा सा और बेसन मैंने इसमें डाला है, और जो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका घोल मैं तैयार करूंगी इस तरीके से। एक साथ पूरा पानी ना डालें, नहीं तो ये बिल्कुल पतला हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरीके का घोल हमने तैयार किया है। इस तरीके का घोल चाहिए हमें, तो घोल तैयार है। तो गैस पे कढ़ाई रख के हमने ऑयल डाल दिया है, गरम होने दे रही हूँ इसे। तो फ्रेंड्स, ऑयल गरम हो चुका है। तो एक एक पीस हम आलू का लेंगे और इस तरीके से बेसन में डिप करेंगे और इस तरीके से डाल देना है हमें। तो फ्रेंड्स, एक बार में जितना कढ़ाई के अंदर आए उतना ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है हमें। इस तरीके से हमें जितना आया, इसमें 5 से 6 पकौड़े हमने डाल दिया है, और हल्के हाथों से इसे 1 से 1.5 मिनट पकने के बाद मैं पलट लूँगी। और गैस हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है। पहले हाई फ्लेम पे आप पकौड़े डालें, उसके बाद से लो टू मीडियम कर दें। तो आप देख सकते हैं हमने पकौड़े को पलट लिया है। तो दोनों साइड से हमें गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है इसे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये सिक चुका है। अब इसे मैं निकाल लूँगी। आप चाहें तो थोड़ी देर और इसे और गोल्डन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम सारे पकौड़े को फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं दूसरा बैच भी फ्राई हो चुका है। देख सकते हैं कितना फुला फुला ये बना है पकौड़े। तो फ्रेंड्स, बन के सारे पकौड़े रेडी है, आप देख सकते हैं। और आप अपने घर पे इस बारिश ज़रूर बनाएं इसे, और इसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत टेस्टी बनता है ये। थैंक यू।